Zombie apocalypse. असलम गाइस, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा राजपूती यूट्यूब चैनल। तो किस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए ले आया एक और ट्रेंडिंग हेडफोन वाला नेम आउट वीडियो स्टेटस। तो यहाँ पे इसमें आपको एक डेमो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो कि जैसे कि आपने डेमो वीडियो में देखा, अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस तरीके का एक नेम आउट वीडियो स्टेटस अपने मोबाइल के ऊपर क्रिएट कर सके, तो ये मेरी वीडियो के अंत तक लाजमी देखनी होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आगे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी डेली की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टेटस को जो सा हम क्रिएट करेंगे लाइट मोशन के ऊपर, तो यहाँ पे किसी आपने जो से लाइट मोशन ऐप ओपन कर लेनी है। देन किसी आपने प्लस वाला आइकॉन के ऊपर जाके 9.16 की जो सी स्क्रीन है वो भी आपको चूज़ करके क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब किसी आपने प्लस वाला आइकॉन के ऊपर जाके यहाँ पे किसी आपने जो सी एक इमेज है जिसका लिंक इसमें आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, वो किसी आपको यहाँ पे यूज़ कर लेनी है। तो ये इसमें यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। देन मैं इस प्लस वाला आइकॉन के ऊपर जाके यहाँ पे जो सा मैं इसको थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर लूँगा। अब किसी आपको यहाँ पे जो सी एक ऑडियो यूज़ कर लेनी है, तो ऑडियो जो से किस मैंने यहाँ पे एक सॉरी वीडियो ही ऐड की है, इसकी जो से मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ ऑडियो। देन मैं किसी यहाँ पे जो सी वीडियो होगी इसको किस मैं डेल कर दूँगा, और यहाँ पे कि जो सी इस इमेज का साइज़ किसी आपने ऑडियो के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। बैक स्टार्टिंग पे आ जाना है। अगर आपने जो सी यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन वीडियो है वो किस आपको यहाँ पे यूज़ कर लेनी है। तो सबसे पहले कि जो सी मैं यहाँ पे एक बार वाली वीडियो है वो किस मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो ये बार वाली जो सी इस वीडियो की ये गाइस मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली है। अब मैं किसी का ब्लरिंग वाले मोड के ऊपर और यहाँ से जो मैं डिफरेंस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ से जो मैं सबट्रैक्ट यानी कि तीसरे नंबर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद किसी आपने बैक के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से किसी आपने जो इसको ऊपर की तरफ एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से साइज़ के जो आपने इसका इंक्रीज़ कर लेना है, जैसे कि इसमें यहाँ पर इंक्रीज़ करूँ और इसको किसी आपने कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। किसी आपने इमेज के हिसाब से किसी आपने जो है इसको कट कर देना है, और इसके लिए जो सी ऑडियो होगी वो गज़ आपको यहाँ से रिमूव कर लेनी है। अब किसी आपने यहाँ पे जो सी एक टाइमर वाली वीडियो है वो गज़ आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेनी है। तो ये रहा इस टाइमर, इसके ऊपर से आपने सेम प्रोसेस करना है, डिफरेंस वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है, और यहाँ से गज़ आपने जो सा सबट्रैक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है, बैक के ऊपर क्लिक करना है, इसको नीचे की तरफ गज़ आपको मूव करना है। साइज़ के आपने इसका जो सा छोटा कर लेना है, तो ये छोटा हो चुका है, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो ये बेस्ट है। तो इसको जो सा इसमें यहाँ पर ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद किसी आपने इसका भी जो सा साइज़ है वो किसी आपने एडजस्ट कर लेना है। तो साइज़ इसका था, हमें इसको 15 सेकंड के करीब इंक्रीज़ करना है, तो एक्स्ट्रा पार्ट इसका डेल कर दिया है। अब किसी आपने जो सा यहाँ पे अपना नेम यूज़ करना है, तो प्लस वाले आइकॉन के ऊपर जाना है। टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर किसी आप अपना नेम यूज़ करें, अपने लवर का नेम यूज़ करें, या फिर लव खाली लिख लें, लव लाइफ लाइन लिख लें, जिंदगी कुछ भी किसी आपने जो सा यहाँ पर एक फिक्र ऐड कर लेना है। तो समझ इसमें यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। देन मैं किसी यहाँ पे जो सा फॉन्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाके एक फॉन्ट यूज़ करूँगा, और उसके बाद जो सा मैं यहाँ पे कलर यूज़ कर लूँगा ब्लैक, और यहाँ पे जो सा इसका साइज़ है वो इसमें बढ़ा लूँगा। तो इतना के जो सा मैंने साइज़ इसका बढ़ा लिया है। देन ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, और दोबारा फिर ओके के ऊपर क्लिक कर दूँगा। हमें जो सा इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से किसी यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा। यहाँ पर किसी आप देख सकते हैं इसका भी जो सा साइज़ आपने एंड तक कर ले जाना, जितनी किसी आपकी वीडियो होगी। अब किसी आपने यहाँ पे प्लस वाला आइकॉन के ऊपर जाना, टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे किसी आपने जो से 3-4 गई जो से इमोजी है वो किसी आपको यहाँ पे यूज़ कर लेना है। तो 4 गई से मैंने जो से इमोजी से वो किस मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली है रैंडमली। हमें किसी यहाँ पे जो से एक एप्पल इमोजी वाला फॉन्ट यूज़ करूँगा। देन मैं किस यहाँ पे जो से इसका साइज़ 0 कर लूँगा एडजस्ट। देन मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर इस ओके के ऊपर क्लिक कर लूँगा। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद किसी आपने अपने नेम के नीचे इसको ऐड कर लेना। देन किसी आपने इसका साइज़ जो सा थोड़ा सा बढ़ा लेना, इतना नहीं बढ़ाना, यहाँ पे यूज़ कर ले या इधर यूज़ कर ले तो मैं कुछ इस तरीके से। बैक के ऊपर क्लिक करना है, शेडो एंड बॉर्डर वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। यहाँ से किसी आपने तीसरे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से शेडो को आपने अनेबल करना है, और यहाँ से किसी आप चाहे तो इसकी पोजिशन जो सी मिड में कर सकते हैं, वरना गई जो पहले थी वही भी गई बेस्ट है, जिस तरह आपका दिल चाहे। अगर आपने बैक के ऊपर क्लिक करना है, इसको भी किसी आपने एंड तक कर ले जाना है, जितने भी आपकी वीडियो होगी। अब किसी आपने दोबारा फिर स्टार्टिंग वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। अब किसी यहाँ पे बारी आ जाती है एक लास्ट के ऊपर पार्टिकुलर वीडियो यूज़ करनी है, तो प्लस वाला आइकॉन के ऊपर जाके यहाँ पे जो एक पार्टिकुलर वीडियो है वो किस मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो पार्टिकुलर वीडियो जो किस मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, देन मैं इस प्लस वाला आइकॉन के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ से जो मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ पहले, तो ये हो गया जनाब रोटेट, और यहाँ से जो इसको मैं भरा लेता हूँ, तो इतना किस मैंने बढ़ा लिया है। बैक के ऊपर क्लिक करूँगा, सेम वही प्रोसेस दोबारा फिर करूँगा, और यहाँ से जो मैं इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर दूँगा। बैक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, और इसका भी जो साइज एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। तो एक्स्ट्रा पार्ट गाइस जो मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया है, मैं किसी आपको वीडियो जो सी प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ से ऑडियो जो सी इसकी थोड़ी कम कर लेते हैं, बंद ही कर लेता हूँ भर के,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो इस वीडियो है वो कुछ इस तरीके की क्रिएट हो चुकी है। अब इस लास्ट के ऊपर बारी आ जाती है, आप अगर चाहे तो अपना इफेक्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली गाइस आपको इफेक्ट यूज़ करने के लिए करना क्या होगा, इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाना, ऐड इफेक्ट के ऊपर गाइस आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कलर एंड राइट वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर यहाँ पे गाइस आपने जो है ह्यूज शिफ्ट के नाम से इफेक्ट है वो गाइस आपको यहाँ पे यूज़ कर लेना है। देन गाइस आपने यहाँ पे एक की यूज़ करना है, एंड के ऊपर जाना और एक की गाइस आपको यहाँ पे यूज़ करके इसको गाइस आपने जो है तकरीबन कोई 300 के करीब गाइस आपने जो है इसको कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस आ चुका है ये 300, तो ये 300 आ चुका है। देन गाइस आपने बैक के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकेंगे मल्टीपल शेड जो है यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, बैकग्राउंड का गाइस जो है कलर होगा वो गाइस चेंज होता जाएगा और वीडियो जो है गाइस आपकी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी कुछ इस तरीके की। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपकी मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब तक करें नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।